सकते हैं, ये फ्रंट है इसका, फ्रंट गेट। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंगलोर का बहुत फेमस जो फिश होटल है, उसके बारे में आज दिखाने वाला हूँ। और आज हम लोग वहीं पे चल रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, लंच का प्लानिंग हमने वहीं पे किया है। तो हमारे पास जो है फ्रेंड्स, दो ऑप्शन है, एक नारायणा है और एक मछली रेस्टोरेंट है। दो रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी फेमस है मैंगलोर में। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं और लास्ट में आपको रिव्यू देंगे। एक साथ ही शॉपिंग भी करनी है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये ना मछली लिखा है, दिस वन, ये यहीं पे खड़ा करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा क्राउड होता है यहाँ पे, यहाँ तक का सारा फेमस है ना, इसलिए देख सकते हैं। अभी मैंने दिखाया जैसे आपको, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है और ये 3:30 में क्लोज हो जाता है। यदि आप यहाँ पे मैंगलोर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट फिश रेस्टोरेंट, जो मतलब रेस्टोरेंट का नाम है मछली, ठीक है, यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये ओशियन पर्ल के सामने है और गूगल मैप से आप आसानी से पहुँच सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड। एक बात ये खास है नारायणा से, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चिकन फिश के साथ साथ चिकन के भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी डिशेज में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और हमने एक्चुअली आने में थोड़ी सी लेट कर दी, जिसकी वजह से लाइक बहुत ज़्यादा अभी लाइन लगी हुई है। तो इन लोगों को पहले दिया जाएगा आगे जाने का मौका, फिर हमें मिलेगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है यहाँ का जो लाइक और फेमस फिश रेस्टोरेंट है नारायणा, वहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं। वहाँ पर देखते कितनी सारी क्राउड है। यहाँ से कितने किलोमीटर शो कर रहे हैं? यहाँ से 2 किलोमीटर है एंड उसका भी क्लोजिंग टाइम सेम है 3:30, तो जल्दी होना हो जल्दी चलना पड़ेगा और आज संडे भी है इसलिए रश ज़्यादा है। एंड आप देख रहे हैं 3:30 क्लोजिंग टाइम है, बट स्टिल पीपल आर कमिंग कंटिन्यू। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग नारायणा आ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप आएंगे तो सामने ये बोर्ड आपको मिल जाएगा, होटल नारायणा फिश मिल ये लिखा हुआ है लाइक, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये गली आपको सामने दिखाई देगा, गली से आप अंदर जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा है। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नारायणा, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्राउड काफ़ी कम है, तो आप कंपेरिजन समझ सकते हैं। और इसमें बस ये है कि मछली जो है, मछली रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है बैठने के लिए, और यहाँ पे भी नारायण में आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्राउड नहीं मिला बेसिकली, तो चलिए चलते हैं और हम लोग यहाँ पे फिश जो हमारा लंच का प्लानिंग है वहाँ पे करते हैं, फिर आपको रिव्यू बताते हैं। देख सकते हैं ये फ्रंट है इसका, फ्रंट गेट, ठीक है। और यहाँ से आप ये मछली से आप देखोगे तो मछली से ये आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बाइक से आपको लगभग 4 से 5 मिनट का ही डिस्टेंस पड़ेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप आएंगे तो इस तरह से केले के पत्ते में आपको दिया जाएगा,
राइस बाद में भी ले सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केले को पत्ते पहले सर्व करते हैं, उसके बाद ये वाइट राइस। राइस के कुछ अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ है, आपके अकॉर्डिंग वो सफाई करेंगे, पहले आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मछली की ग्रेवी, फिश ग्रेवी। पहले चावल इन्होंने दिया, फिर एक कुछ सब्जी दिया है, फिर अचार और ये फिश की ग्रेवी अलग से। ये आप देख सकते हैं नारायणा में नीचे है ग्राउंड फ्लोर और ये कि ऊपर में एक फ्लोर है, तो आप नीचे भी खा सकते हैं, ऊपर भी खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इसको ये एंजल बोलते हैं, एंजल फिश, ये हमें सर्व किया गया है। फ्रेंड्स हमने अभी बेंगोड़े भी मंगाया है, ये पहले से हमारे पास एंजल थी और एक बेंगोड़े भी ऑर्डर किए हैं। तो ये 50 रुपीज़ पर मील है, इसमें आप मील चाहे चावल जितना ले सकते हैं और ग्रेवी और ये सब्जी, प्लस जो एडिशनल चार्जेज होंगी वो सिर्फ फिश की होंगी, क्योंकि फिश यहाँ पे लाइक प्राइसेस जो है वेरी करते रहता है। फाइनली हमारा लंच हो गया है और आपने देखा वहाँ पे लाइक कि अभी जो है हम लोग जस्ट एंड पॉइंट में ही पहुँचे थे। 3:30 के बाद ये क्लोजिंग हो जाती है। और एक बात बता दूँ कि ये संडे को, आज जो है संडे है, वो संडे को लाइक 3:30 बजे क्लोजिंग हो जाती है और शाम में फिर से ये ओपन नहीं होता है। और वीकडेज़ में भी आप आना चाहेंगे तो दोपहर में 3:30 तक और शाम को लाइक 6 से लेकर 8 तक आपको यहाँ तक यहाँ पर मिल जाएगा। रिव्यू की यहाँ पर बात करूँ तो फ्रेंड्स लाइक लाजवाब फिश यदि एक्चुअल में आपको खानी है तो यहाँ की आप फिश खाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यू कैन नॉट लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये इनके साथ क्या करते हैं, एक मट्ठा भी देते हैं जो हमने आज टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। तो आप आओगे तो उसके साथ एक मट्ठा दी जाएगी, चावल की मांड होती है वो दी जाएगी, केले के पत्ते में सर्व करेंगे जो कि काफ़ी एक नेचुरल फील होता है कि हम लोग अपने लाइक इंडियन कल्चर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो केले के पत्ते में सर्व किया जाएगा, फिर उसमें लाइक दो वैरायटी के चावल देंगे, वाइट मोटी और एक पतली राइस देंगे, ठीक है। तो उसमें अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, वो 50 रुपीज़ पर थाली होगी। उसके बाद जो भी फिशेस दिए जाएंगे उसके अलग अलग चार्जेस होंगे, लाइक बैंगड़ी हैं और पॉम्परेट है और अंजल, ये तीन वेराइटीज़ की फिश यहाँ पर मिलती है। और उसके साथ जो वो देते हैं एक मसाला देते हैं, खाने में काफ़ी मज़ा आता है। क्या चार्जेस लिया है इन्होंने बेंगोड़े का?
क्या है, मेल 50 का है? यस सर, एंजल का 270 है, वन एंजल 270, वन एंजल 270 प्राइस। एंड दिस रेट विल बी वेरी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश, बिकॉज़ रेनी सीजन इट्स डिफिकल्ट टू कैच दिस फिश ना, सो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता है। और लास्ट बैंगलोर 110। चल रहे मछली की तरफ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वहाँ बहुत ज़्यादा ट्राउट था, हम नारायणा की तरफ चले गए थे। आज फिर से, आज हम लोग दो दिन के बाद फिर से ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों रेस्टोरेंट की आपको कवर मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज फिर से मछली की ओर, देखते हैं आज क्या क्राउड है, आज देखते हैं कि आज हमें फिर से वहाँ पर खाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। फाइनली हम फिर से पहुंच चुके हैं मछली, देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे भी आने के लिए फ्रेंड्स आप आसानी से गूगल मैप की सहायता से आ सकते हैं। यहाँ पे आज भी देख सकते हैं बस क्राउड उसी तरह का है, बाहर लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है चलिए जाके पता करते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देख दीजिए हमारा भी नाम हरी। आने के बाद यहाँ पे सामने देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट का पर्सन जो है खड़ा है, वो आपकी जो है नाम को नोट करेगा। नाम नोट करने के बाद वो फिर बारी बारी से बुलाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होने पे उतने ज़्यादा टेबल नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर में सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये रही इसकी मेन गेट, यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट करने के बाद वो नाम लिखते हैं, फिर बारी बारी से आप देख सकते हैं नाम को पुकार रहे हैं, फिर आपको आप अंदर में जा सकते हैं और टेबल में बैठ सकते हैं। तो हम भी अपना नाम लिखा दिए हैं, अब वेट कर रहे हैं हम अपने नंबर आने का। जब तक हमारी नंबर आएगी उसके बाद से फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मछली रेस्टोरेंट में खाना है तो आप इसके लिए 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है जैसा आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग आए थे, अभी आए हुए अभी हाफ एन आवर हो गया है, अभी हमने अपना नंबर लगाया लेकिन अभी तक हमारी नंबर नहीं आई, देखते हैं वेट करते हैं कब तक आएंगे। बाद यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है और देख सकते हैं हम लोग बैठ गए हैं। राइस मील है, यह तुम्हारा घी रोस्टेड और ये एंजल फ्राई, इनका भी सेम।
फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ पे खा लिया है और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी जिसकी वजह से हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगी है जहाँ पे होम डिलीवरी यदि आपको चाहिए तो ये इस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, तो ये लोग फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग खा के बाहर निकल चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं कि लोग अभी भी वेट कर रहे हैं बाहर में। आपको वेराइटीज ऑफ फिश मिल जाएंगी जिस तरह से नारायणा में आपको दिखाया है वहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बस खास बात ये है कि आपको चिकन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ ही साथ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज मिलेंगे, आप लाइक प्राउन वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, घी रोस्ट वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर किया था चिकन घी रोस्ट ऑर्डर किया था, एक एंजल फ्राई ऑर्डर किया, दो एंजल फ्राई ऑर्डर किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो एंजल फ्राई इन्होंने 350 पर पीस करके चार्ज किया है, 350 रुपये एक पीस का, काफ़ी आप समझ सकते हैं उतनी ही टेस्टी होती है। तो आप आ सकते हैं, दोनों में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अंदर में काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी जिसकी वजह से हम उतना नहीं कर पाए, वीडियो शूटिंग वहाँ पे नहीं कर पाए। नारायणा में हमें थोड़ा सा स्पेस मिल गया था, यहाँ पे हम बस थोड़ी सी आइटम दिखा पाए और साथ ही साथ आप बिल देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई देगी। यहाँ का ये है जो भी बिल रेट है फिश का, वो सारा चीज़ आपके सामने है। तो छोटी सी वीडियो थी हमारी तरफ से, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में इसी तरह के टूर ट्रेवल्स रिलेटेड बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से टूर ट्रेवल से रिलेटेड और मैं मैंगलोर और बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है।